हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज मदर्स डे है और आज हम कहीं पे जा रहे हैं, तो वो अभी आपको आगे पता चली जाएगा व्लॉग में। और मदर्स डे सेलिब्रेट करने जाएंगे चुटमुट सा, थोड़ा सा बस एक थोड़ी सी इन्जॉयमेंट हो जाए। तो नया आज मेरा कर रही है मेकअप, और स्पेशली मैं आज सिर्फ मेकअप इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने व्लॉग में बताया था आपको कि जो मैंने न्यू प्रोडक्ट्स अपने खरीदे हैं, तो उससे मेकअप का जो लुक है वो कैसा आता है। तो चलो आज इसको ट्राई करते हैं। वैसे इसको मैं एक बार ट्राई कर चुकी हूँ, एक बार आपके साथ सामने अब ट्राई करूँगी, और अनाया ने बोला कि मैं आपकी करूँगी ट्राई, तो मैंने कहा चलो अब आपके साथ शेयर करती हूँ ये वीडियो और साथ साथ। और अनाया को बोला जल्दी जल्दी मेरा मेकअप कर दे क्योंकि फिर उसके बाद हमको निकल जाना है। नहीं मैं करूँगी सिर्फ। अच्छा सर, वो मेरा वो भी ऑन करा प्रेसिंग मशीन, तो बाल अपने हेयर प्रेस कर लूँगी थोड़े से। आज मदर्स डे स्पेशल पे मुझे बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिल रहा है अपनी बेटी से। और आज हमने खाने में कुछ भी नहीं बनाया। क्या कर रही है? मेरा वो फेस क्लीन है, तो आज मैंने खाने में कुछ भी नहीं बनाया अपना। आज मलाई पैटीज ही सबका लंच, ब्रेकफास्ट वही सबका चला है, और अब बस मैं खानी, बस मेरा खाना बाकी रह गया है। और मुझे ऐसा लगता है मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा खाने का, तो मैं कार में पैक करके ले जाऊंगी। तो चलना ना जल्दी स्टार्ट कर दे, अब लेट हो रहा है। सबसे पहले ये हटाओ, बिल्कुल हल्का हल्का लगाना, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं लगता। आईज के यहाँ जो है ना डार्क सर्कल्स हैं, यहाँ पे खास कर लगाना होता है। थोड़ा ज़्यादा लगा दिया, ये देखो ज़्यादा ही लगा दिया। अरे वो यहाँ पर मिक्स हो जाएगा। तो ये वाला मैंने अप्लाई किया है लैक्मे का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैट रियल मूव, और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसके लिए मुझे ना वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कंसीलर, जो उन्होंने कहा था बिल्कुल सही बात है, ना कंसीलर की ज़रूरत पड़ी, ना कॉम्पैक्ट की, ना फाउंडेशन, किसी चीज़ की नहीं। सब एक चीज़ यूज़ करी है और उसी में मेरा काम हो गया। हाँ, और ये टाइम भी बहुत सेव करता है। अब ये मैं लाइनर लगाने लगी हूँ। मुझे डर लगता है अनाया के हाथ से लगवाते हुए कि कहीं आंख में ही ना सीधा अंदर चला जाए या फैल जाए, कुछ हो जाए। तो ये लैक्मे का आईलाइनर है जो कि मैं अप्लाई कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा है। ये वाटरप्रूफ है और मतलब बिल्कुल पानी डालने पर ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, और हमारी आईज़ बिल्कुल काली नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसे क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आप ईज़िली इसको पील कर सकते हो। बहुत ही अच्छा आईलाइनर है ये। तो अनाया ने देखो कितना अच्छा मेकअप किया है मेरा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। थैंक यू अनाया, कितना अच्छा इसने मेकअप किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब मैं अपने हेयर भी सेट कर लेती हूँ। ला पकड़ाइए प्रेसिंग मशीन एक बार।
तो मेरे को इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं आराम से बैठ के अपना लंच कर सकूं, जबकि पैटीज थी चाहती तो मैं हाथ में रख के फटाफट खा सकती थी, बट पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए मैंने इसको जार में चाय को डाला और पैटीज लंच बॉक्स में पैक करी और अपना कार में लेके आराम से बैठ के खाया। और ये है मेरा छोटा सा लुक जो कि अनाया वीडियो ले रही थी, लेकिन उसको मैंने बोला भी था कि ओवरऑल पूरा लेना, बट वो शायद भूल गई। तो अब मैं सीधा आपसे कार में मिल रही हूँ और अपनी पैटीज इंजॉय कर रही हूँ। और अभी हमने किसी को पिक करना है और उन्हें पिक करते टाइम आपको पता चल जाएगा कि हमारे आज के क्या प्लानिंग्स हैं। हेलो दीदी, हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे विवान को हमने आज एलओएल कर दिया। हां जी, विवान सर आपने ट्रिक कर दिया। विवान घर से निकला स्विमिंग क्लास में जाने के लिए और हम अपनी कार ढूंढ रहे हैं। सियाज कहाँ खड़ी करी है, कह रहे बाहर कैसे आ गई। सियाज आज तो आप कहीं गई नहीं। विवान का ट्रिक। तो हम आए हैं पूनम दीदी के घर पे, वहीं पर ही हम सबकी गेट टुगेदर हुई है और बस एक मदर्स डे था तो इसलिए सोचा कि थोड़ी सी एक फैमिली आउटिंग हो जाए। तो यहाँ पे हमने बाहर से खाना मंगवाया था, मखनी दाल साथ में पनीर और रोटी वगैरह जो भी थी, और बच्चों के लिए मंगवाया था हल्दीराम से राजमा चावल, इनके फेवरेट हैं। और मैंने अपने लिए मंगवाया था नूडल्स एंड चिली पनीर का जो कॉम्बो आता है ना, ये भी हल्दीराम से ही आया था। तो वो सब मैं कोल्ड ड्रिंक के साथ इंजॉय कर रही हूँ। बस मन करता है कई बार आउटिंग हो जाए तो उससे थोड़ा सा एक माइंड भी फ्रेश हो जाता है हमारा। और हमारा ना यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, केक कटिंग हम हमेशा डिनर के बाद ही करते हैं ताकि वो एज अ स्वीडिश हम उसे इंजॉय कर सकें। तो बस अब मदर्स डे केक कटिंग होएगी हम चारों की। थैंक यू। मुझे पहले फादर्स का तो कोई पूछ ही नहीं रहा। फादर्स का जारी चल रहा प्रोग्राम। नया मेरे को जैसे कि लाइक हां नहीं, केक और फ्रूट एंड नट आइसक्रीम लो। नहीं, केक और वनीला आइसक्रीम। वनीला वनीला दिस इज हेड, दिस इज वनीला, दिस इज ना यम केक है ना। करू दोबारा के नया मुझे करू। मैंने आपको नहीं नया था करू। भी खाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। चम्मच दियो एक। मुझे तो केक के साथ रसमलाई भी आई हुई थी और आइसक्रीम भी थी, दो तरह की, एक वेनिला और एक फ्रूट एंड नट। तो मैंने तो दोनों आइसक्रीम खाई, मुझे और कुछ खाने का मन नहीं था। समर्स में तो सीरियसली मन करता है डेली आइसक्रीम खाओ सीरियसली, लेकिन इससे वेट बहुत बढ़ जाता है इसलिए डेली नहीं खा सकते, और ऊपर से हेल्थ फिर मेरे को ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैं आइसक्रीम डेली नहीं खा पाती। लेकिन अगर मेरा बस चले तो मैं डेली खाऊं। इसने करना सच में जरूर करना ही है। ये भी तो ठीक ही दिया है। एक लंच छोटा है और एक लंच बड़ा है, सेम से धुलाऊंगी। सेम
चलता पॉस्चर में ऐसा कैप्चर कर ले। इसको नींद आ रही है। बापू से हट के लिए तो हानिकारक है। तो बस इसके बाद हम अपना घर चले गए थे और घर जाने के बाद मैंने और कोई क्लिप नहीं ली थी और नेक्स्ट डे मैं अब आपके साथ मिलती हूँ इसी वीडियो में और मैंने आपके साथ एक रेसिपी शेयर करनी है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि कमेंट में मुझे जिसका पहला मैसेज आएगा कि मेरे साथ ये वाली रेसिपी एक्स वाई जेड जो भी रेसिपी है वो शेयर करो तो मैं उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो कीर्ति जी का मेरे पास मैसेज आया था तो आज उन्हीं के लिए ये स्पेशल डिमांड पे मैं पंजाबी कढ़ी पकौड़ा बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 450 ग्राम का ये जो बॉक्स है ना दही का वो यूज़ किया है और साथ में थोड़ी सी और ली थी। ऑलमोस्ट आप ये लगा लो कि 500 ग्राम की मैंने यहाँ पे दही यूज़ की है और इसको अच्छी तरह फेंट लूँगी ताकि कोई लम्स ना रहे। और अब इसमें मैं डालूँगी 5 टेबलस्पून बेसन, इससे ज़्यादा बेसन नहीं डालना वरना इसके अंदर मतलब काफ़ी थिक बन जाएगी नहीं तो। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1.5 टीस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। हल्दी आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो जैसा आपको कलर चाहिए और इसको मैं अच्छे से पहले फेंट लूंगी ताकि लम्स ना रहे। और इसके बाद मैं इसके अंदर 1 लीटर के करीब पानी डालूंगी और उसके बाद जब भी ज़रूरत पड़ेगी और तब मैं उसके अकॉर्डिंगली पानी डालती रहूँगी। तो कढ़ी का बैटर मेरा एकदम रेडी हो चुका है, इसको बहुत अच्छे से मैंने फेंट लिया था और तेल गरम हो गया पकोड़े के लिए। तो अभी मैं पकोड़े की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा ऑयल, ये सरसों का तेल है, 2 टेबलस्पून मैंने डाला है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच के करीब राई, आप सरसों के दाने भी डाल सकते हो। और साथ में मैं डालूँगी 2 लाल मिर्च तो ये इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। जब राई चटकने लग जाएगी ना इसके बाद में मैं डालूँगी कढ़ी का बैटर। और कढ़ी पत्ता मंगवाना मैं बिल्कुल भूल गई जिस वजह से मैं डाल नहीं पाई। और कढ़ी पत्ता अगर आपके पास हो तो बिल्कुल ज़रूर डालना, उसका टेस्ट ही अलग होता है बिल्कुल। तो अब ये मैंने बैटर इसके अंदर डाल दिया है और इस टाइम मैंने गैस बिल्कुल सिम पे कर दी थी क्योंकि अगर हम तेज़ गैस पे इस बैटर को डालते हैं ना तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। और दूसरा फिर जब हम पूरा ये बैटर इसके अंदर डाल दें तो फिर हम हाई स्पीड पे मतलब हाई फ्लेम पे इसको बना सकते हैं और इसको चलाते रहना बीच बीच में और फिर इससे क्या होगा कि इसमें लम्स बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। और अगर आपको कोई और साथ साथ काम है जैसे कि हर कोई साथ साथ मल्टीटास्किंग करता ही है तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप बिल्कुल सिम गैस पे कढ़ी को बना सकते हो, आपकी कढ़ी नहीं फटेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे कई बार बना चुकी हूँ सिम गैस पे। तो अब मेरी यहाँ पे कढ़ी भी बॉयल इसका आ चुका है और कलर देखो कितना प्यारा आया है। अब इसके लिए मैं करती हूँ पकौड़ों की तैयारी। अब इसको मैं कर दूँगी गैस मीडियम फ्लेम कर दी है क्योंकि अब इसमें ऑलरेडी बॉयल आ चुका है। तो अब मैं बेसन ले रही हूँ उसके लिए पकौड़े बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने लिया है 2 कप बेसन और इसके अंदर मैं डालूंगी 1/4 चम्मच के करीब नमक, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। और साथ में डालूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये कुटी हुई लाल मिर्च है और बिल्कुल ज़रा सी हल्दी। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हींग, आप चाहो तो जीरा भी डाल सकते हो बट मैं जीरा नहीं डालूंगी। अब जो सबसे मेन इन्ग्रीडियंट है ना इस पकौड़े बनाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसे स्किप मत करना। अगर आप चाहते हो कि आपके पकौड़े बहुत सॉफ्ट बने तो प्लीज़ इसका यूज़ ज़रूर करना। और ज़रा ज़रा सा पानी डाल के अब मैं इसका बैटर तैयार कर लूँगी। और अगर आप बेकिंग सोडा जैसी चीज़ें ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते हो तो आप इसकी जगह 1 से 1.5 चम्मच के करीब दही का यूज़ करना, इसके अंदर दही डालना। तो उससे क्या होंगे क्या होगा कि आपके जो पकोड़े हैं ना वो अच्छे फूले फूले बनेंगे और एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो मेरा तेल एकदम गर्म है तो सबसे पहले मैं भगवान जी के लिए अलग से निकाल दूंगी। तो ये बिल्कुल प्लेन है बिना प्याज वाले पकोड़े, तो इनको निकालने के बाद मैं इसके अंदर प्याज मिक्स कर दूंगी। तो सबसे पहले भगवान जी के लिए निकालना ज़रूरी है इसलिए मैं फ्रेश ऑयल में उनके लिए निकाल रही हूँ।
तो बस ये 4-5 ही बहुत हैं। अब बाकी का जो बेसन का मटेरियल है बैटर है, इसके अंदर मैं डाल दिया ज़रा सा पानी और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें मैं डालूँगी प्याज और यहाँ मेरे पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं, तो इसको मैं अलग से निकाल के साइड पे रख दूँगी। तो जब कढ़ी रेडी होगी तो कढ़ी भी अलग से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मैंने 4 से 5 प्याज लिए हैं, छोटे साइज़ के थे और इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। चाहो तो लंबे लंबे भी आप प्याज कट करके डाल सकते हो। और मैं शुरू से प्याज वाले पकोड़े बनाती आई हूँ। यहाँ पे पहले बिना प्याज के ही बनता था, तो जब से मैंने प्याज वाले पकोड़े बनाने स्टार्ट किए हैं तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलो अब ये बनाते हैं पकोड़े और इसको थोड़े से बचा भी लूँगी इसमें से। अनाया भी खा लेगी और एक दो मैं भी खा लूँगी। मनु तो नहीं खाने वाले क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने ब्रंच बहुत लेट किया था, जिस वजह से वो अवॉइड करेंगे। तो चलो अब मैं बाकी के पकौड़े भी बना लेती हूँ। पकोड़े जब भी बनाने हो हमेशा मीडियम गैस रहनी चाहिए, मीडियम फ्लेम रहनी चाहिए, जिससे कि पकोड़े आपके क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेंगे, अंदर से बिल्कुल कच्चे नहीं रहेंगे। अगर तेज़ गैस पर बनाओगे तो बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो बैलेंस करके वो चलना पड़ता है। और आप देख सकते हो कि कढ़ी कितनी कम हो चुकी है, 40 से 45 मिनट्स तक मैंने इसको अच्छे से कुक किया है, बिल्कुल कच्ची नहीं छोड़ी। और ये बेसन का पकोड़ा देखो कितना सॉफ्ट बना है, इसको हम एज इट इज़ भी खा सकते हैं चटनी या सॉस के साथ। तो इसके अंदर मैं बाकी के पकोड़े डाल दूँगी। और 5-6 पकोड़े मैंने बचा लिए थे, जिसमें से 1-2 तो मैंने खा लिए और बाकी 2-3 अनाया को दे दूँगी। तो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना। और कभी गेस्ट आ जाएं तो जल्दी से जल्दी बन जाते हैं प्याज के पकोड़े और सर्व करने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अब मेरी कढ़ी बिल्कुल रेडी है, बस इसको 5 मिनट और पकोड़े के साथ अच्छे से कुक होने दूंगी। इतना मैं जो तड़का लगता है ना उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो जो बाकी का मैंने इसके अंदर राई और 2 लाल साबुत मिर्च बचा के रखी थी ना, वो डाल दी है। और साथ में 1 प्याज डाला है मीडियम साइज़ का। और प्याज ऑप्शनल है तड़के के लिए, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन मेरी मम्मी जब भी कढ़ी बनाती है ना तो वो ऐसे प्याज का तड़का ज़रूर लगाती हैं, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। प्याज अब भुन चुके हैं और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसको एक बार मैं चला लेती हूँ और ज़रा सा मैं डालूँगी इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए होता है और इसे कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का, कढ़ी का। और 1 चम्मच मैं डालूँगी इसमें नमक, और पहले मैं 1.5 चम्मच डाल चुकी थी, ये आपको पता होगा और पकौड़े में भी होता है, तो उस हिसाब से इसके अंदर नमक डालना होता है। और अब मैं तड़का इसके अंदर डाल दूंगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि मैं यूज़ करती हूँ सेंधा नमक, बहुत लोग जो टाटा नमक यूज़ करते हैं वो डलता है थोड़ा सा कम, तो प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंगली नमक का यूज़ करना। ये ना हो कि मेरी वजह से मैं क्योंकि हर वीडियो में नहीं बता पाती हूँ कि मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि याद रखूँ इस बात को, क्योंकि सेंधा नमक की क्वान्टिटी अलग होती है और टाटा नमक की अलग, तो प्लीज़ आप उस हिसाब से यूज़ करना। और यहाँ मेरा खाना रेडी हो चुका है टेस्टी टेस्टी, तो चलो अब मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ और अनाया के लिए खाना डाल देती हूँ। और कढ़ी के लिए मैं एक चीज़ बताना भूल गई, मैं उस टाइम वीडियो भी नहीं ले पाई थी, मैंने 0.5 लीटर पानी का यूज़ और किया था, मतलब ये लगा लो पूरी ये कढ़ी के अंदर मेरा 1.5 लीटर पानी का यूज़ हुआ था। तो हमारा खाना रेडी हो चुका है और आप देख सकते हो कि पकोड़े कितने सॉफ्ट बने हैं, इजीली टूट रहे हैं, तो इसे ज़रूर एक बार बना के देखना, आपको सच में बहुत अच्छे लगेंगे। तो हमने अपना डिनर भी कर लिया और यहाँ पे अनाया कर रही है अपना वो डायमंड वाला जो इसने क्या बोलते हैं अनाया इसको, डायमंड पेंटिंग जो इसने अपनी ऑर्डर करवाई थी ना, उसका जो पेंटिंग है वो बाद में आई थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाली है और इसने अभी थोड़ी सी स्टार्ट की है और बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में, और मतलब ये जब बीड्स लग जाएंगे ना, ये सारे डायमंड सारे लग जाएंगे कांगे ये, तो वो और भी ज्यादा इसकी गेटअप आएगी। इतने सारे तो जो इस सारे पैकेट्स में आए थे बीड सॉरी डायमंड, और इसने सारे इन बॉक्स में फिल कर दिए हैं। तो इस तरीके के बॉक्स हैं छोटे 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 से, और ध्यान से ये ऐसे खुलते हैं। तो ये पूरी शीट जो है ये स्टिकी है,
इसके ऊपर डायमंड चिपकेंगे और ये है वैक्स, तो इससे ये लगाएगी अनाया। तो जब अनाया थोड़ा सा ये कर लेगी तो उसके बाद हम आपको किसी दिन दिखाएंगे जब थोड़ा सा ये इसको कंप्लीट कर लेगी। थोड़ा सा मतलब अभी इसको क्योंकि कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगेगा, काफ़ी बड़ी ये शीट है, A3 साइज लग रहा है मुझे ये। नहीं A3 साइज तो नहीं है, कहीं तो लिखा ये ऐसे है 40x30 सेंटीमीटर। हाँ तो जब करेगी तब देखेंगे। और इसकी टेबल की हालत देख लो, ये सारा बहुत ही गंदी इसकी टेबल की हालत है। अब इसको मैं रिमूवर से क्लीन करके देखूंगी कि उससे क्लीन होता है या नहीं, और नहीं होता तो मैं इसको तो हटा दूंगी, मुझे बहुत गंदा लगता है देख के। पेंट करती है ये इस टेबल के ऊपर और कुछ ना कुछ लिखती रहती है, जिस वजह से टेबल की हालत बहुत ही गंदी है। सीरियसली मुझे बहुत गंदी लगती है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। ये देख लो। तो जब ये अपनी कंप्लीट कर देगी तो अब आपके साथ इसकी वीडियो फिर शेयर करूंगी किसी ना किसी दिन। और सॉरी मैं कैमरा इधर उधर हिलने लग जाता है। तो चलो आज की वीडियो मेरी यहीं तक की थी, और कढ़ी बना के ज़रूर देखना, बहुत ही टेस्टी बनी थी। अनाया कैसी बनी थी कढ़ी? हाँ अच्छी बनी हुई थी। और तो बस यहीं तक की थी हमारी आज की वीडियो, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, बाय।